हेलो वंस अगेन, दिस इज प्रशांत कुलशेष। मैं आप लोगों के सामने फिर मौजूद हूँ। आप मुझे देखते रहते हैं जिले के जन मुद्दों पे या आला अधिकारी के इंटरव्यू पे या किसी भी जन समस्या पे। जी हाँ, मैं आज मौजूद हूँ फिर दोबारा आपके सामने। आज हमारे जिले के लिए एक बहुत ही खुशखबरी की बात है, क्योंकि हमारे जिले के एक होनहार छात्र ने SDM की रैंक पाई है और पूरे यूपी में उसकी 17 रैंक है। हम जानेंगे दीपक माथुर से, और यहाँ पर एक धारणा को बहुत गलत साबित किया है। कहा जाता है कि अक्सर करके पुलिस वालों की औलाद अच्छे से नहीं पढ़ती है, लेकिन जो बराबर में शख्सियत बैठे हुए हैं ये सब इंस्पेक्टर हैं। सब इंस्पेक्टर रहे उत्तर प्रदेश पुलिस में, और इन्होंने अपने पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखा और अपने पापा का और हमारे जिले का नाम रोशन किया है। स्वागत है मैं नेटवर्क पर, डेट इज PKN दीपक। थैंक यू। बताइए आपका सफर कैसा रहा और आपको कैसा महसूस हो रहा है इतनी शानदार रैंक हासिल करके? हमारे जिले के लिए बहुत गर्व की बात है। एक्चुअली रैंक इतनी आ जाएगी, मैं अनएक्सपेक्टेड था, काफ़ी ओवरवेलमिंग लग रहा है। सब लोग काफ़ी खुश हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो बस सब कुछ अच्छा ही लग रहा है। एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताइए। एजुकेशन मेरा ग्रेजुएशन मैंने BLLB में किया है AMU अलीगढ़ से, जो मैं 2020 में पास आउट हुआ हूँ। उसके बाद फिर मैंने LLM किया है, जो मेरा अभी रिसेंटली 2022 में सेप्टेम्बर में ये भी कंक्लूड हुआ है जी। और साथ में मैं प्रिपरेशन कर रहा था सिविल सर्विस की। तो एज क्या है आपकी? एज मेरी अभी 25 है। 25। जब लड़के 25 की उम्र में अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे होते हैं, ये SDM की रैंक पा गए हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है कि मतलब आप आने वाले अपकमिंग डेज में किस तरीके की मतलब चुनौतियां आएंगी? क्योंकि SDM की रैंक आपने पहले सुनने में ही अच्छी लगती है, अब आप खुद बन गए, तो आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। बस मैं यही चाहता था कि मतलब सिविल सर्विसेज में आज जाके सोसाइटी के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे पाऊँ, तो मैं बस उसी दिशा में काम करूँगा अच्छे से। दीपक, ऐसा कहा जाता है, मतलब हमारी धारणा है सोसाइटी में कि जो पुलिस वालों के बच्चे होते हैं वो ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, और तुम तो जीते जागते एग्जाम्पल हो इस चीज़ के कि तुमने इस चीज़ को एक ब्रेक थ्रू दिया है। तो मतलब इस चीज़ को कैसे किस नज़रिए से देखते हो? नहीं, ये तो एक मिसकंसेप्शन बना हुआ है, और कहीं हद तक ये चीज़ें दिखती भी हैं, तभी लोगों को ये कंसेप्शन बन गया है कि ये पुलिस वालों के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग हैं, हमारी फैमिली में मेरी 3 सिस्टर्स हैं, वो तीनों काफ़ी अच्छी पढ़ रही हैं। बल्कि जो मेरी बड़ी सिस्टर है सबसे, वो अभी टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, फरीदाबाद में मैरिड हैं वो। और जो उनसे छोटी वाली सिस्टर हैं वो भी PCS ऑफिसर हैं 2016 बैच की, और वो अभी इस टाइम डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर हैं, गाजियाबाद में पोस्टेड हैं। और फिर मैं हूँ, उससे मेरे से छोटी एक बहन है, वो भी AMU से ही पढ़ रही है, और उसने ग्रेजुएशन किया है BCOM, और अभी वो MA कर रही है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से AMU से ही। तो एक तो हम लोग हैं, और काफ़ी लोग भी हैं जो मैं जानता हूँ जो पुलिस वाले हैं के बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ये देखा गया है कि नहीं पढ़ते हैं। तो अब उसमें ये है कि एक तो फैमिली का कंट्रीब्यूशन बहुत होता है, जो पेरेंट्स होते हैं, फैमिली मेम्बर होते हैं, उनका क्या आपके प्रति कितना डेडिकेशन है, देखभाल है, या फिर कितना आप समय दे रहे हैं। तो जो मेरे पिताजी हैं, मेरी माताजी हैं, उन्होंने शुरू से ही, और मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं, क्योंकि पापा तो मोस्टली ड्यूटी पर ही रहते थे, वो मतलब ड्यूटी के लिए उनका जो डेडिकेशन था वो मैंने नहीं देखा किसी और के अंदर, जो ड्यूटी के लिए उनका डेडिकेशन था उनकी वर्दी के लिए। तो मैं शुरू से चाहता था कि मैं शुरू से वर्दी पहनना ही चाह रहा था, लेकिन ये है कि रैंक अच्छी आ गई तो मेरे को SDM मिल गया। Will you try for UPSC? Yes, I will try definitely next year. तो मतलब स्किप करके या जॉब के साथ? नहीं, मैं कोशिश करूंगा जॉब के साथ ही करूं। जॉब के साथ? जी जी जी। एक बात बताइए कि ऐसा कहा जा रहा है कि आपने बिना कोचिंग के मुकाम हासिल किया है, इज इट ट्रू? यस, बिल्कुल ट्रू है। और पहले अटेम्प्ट में? फर्स्ट अटेम्प्ट था ही मेरा। जो लोग कहते हैं कि बिना कोचिंग के हमसे कुछ नहीं होता, हम पास नहीं कर पा रहे, ये जीता जागता एग्जाम्पल है। SDM का पद इन्होंने हासिल किया है। इसी बीच हमारे साथ मौजूद है दीपक साहब के जो फादर साहब, जो रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर आई थिंक सो, तो हम जानेंगे उनसे कि सर देखिए, हमने तो खैर क्या किया, हमने तो ज़्यादातर ड्यूटी की अपनी पुलिस की जी। और पुलिस में रह करके इस तरह से ड्यूटी की, इस तरह से काम किया कि कभी किसी गरीब का जो है अहित ना हो मेरे हाथ से। और बच्चों पे हमने अपना जैसे घर आते थे देखभाल रखते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा श्रेय मेरी पत्नी को जाता है जी। जो कि ये घर पर रहती थी, इन्होंने बच्चों को जो है किस तरह से गाइड किया, किस तरह से इनकी देखभाल की, किस तरह से इनको मतलब जो भी व्यवस्था रखी इन्होंने ज़्यादा रखी। हम तो बाहर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने हमने तो ऐसे कर्म किए अच्छे जो हमारे बच्चे खुद बहुत अच्छे पढ़ने में रहे। कभी मैं छुट्टी पे आता था घर पे, और रिटायर हो गया उसके बाद भी मैं अंदर सोता था, बेटा यहाँ पढ़ता था, अब तो ऊपर पढ़ता है, तो मैं रात को 2 बजे जब जग के आता था टॉयलेट के लिए, तो मैं बेटा अब 2 बज गए, सो जाओ, अब तुम पढ़ रहे हो फिर पढ़ रहा, अब सो जाओ बेटा। सब लोग कहते हैं कि बेटे पढ़ लो, तुम सो रहे हो। मैंने हमेशा अपने बच्चों से यही कहा कि बेटा अब तो सो जाओ, तो बहुत लेट हो गए, 2 बज गए रात के। कहाँ पापा, अभी सोता हूँ बस, मैं अपना जाके सो गया। दोबारा बेटा कब तक पढ़ता रहा? सुबह उठ के अपना तैयार हुआ, नाश्ता पानी किया, फिर पढ़ने में लग गया। मतलब इन्होंने अपने पढ़ाई के साथ में BA LLB और LLM किया,
वो उसके साथ में ही अपनी तैयारी करते रहे, कहीं नहीं गए घर पे ही। तो जिसका फल स्वरूप ये है वो इसका फल ये है, और हमारे सबका जो सहयोग है, सबका हमारा जो है और ऊपर वाले की कृपा है कि हमारा बेटा जो है एसडीएम बन गया। इसी बीच हमारे साथ हैं एसडीएम साहब की माता जी, हम उनसे भी जानेंगे उनको कैसा महसूस हो रहा है। मैम कैसा लग रहा है आपको बताइए। हमारा बेटा बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, हम बहुत खुश हैं। खुश हैं? हाँ बहुत खुश हैं। हमने बच्चों के साथ बहुत मेहनत करी है और अच्छी तरह से रखा है, हर चीज़ का ध्यान रखा है, कोई परेशानी नहीं होने दी, खुद परेशानी उठा ली, बच्चों को नहीं उठाने दी, लेकिन ये बात है। ये एसडीएम साहब की माँ का कहना है, जो माता जी का उनका ये कहना है कि हमने खुद परेशानी उठा ली लेकिन बच्चों को कभी कोई परेशानी नहीं होने दी। इसी बीच हमारे सामने मौजूद, हमारे बराबर में मौजूद है दीपक माथुर जो एसडीएम बने हैं, उनकी बहन प्रीति माथुर जी जो डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर है गाजियाबाद में। हम जानेंगे कि कैसा महसूस हो रहा है उनके भाई एसडीएम बने। आई एम सो हैप्पी, कांट बी मोर हैप्पी। मतलब जो भी फीलिंग है वो भी सिंक इन होने में टाइम लगेगा, ऐसा लग रहा है कि आई एम ड्रीमिंग और समथिंग, बट एग्जैक्टली तो अभी फिलहाल सिंक इन करने में टाइम लगेगा, बट अल्टीमेटली हम लोग बहुत खुश हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि जो भी इसने मेहनत की, जो भी इसका परिश्रम रहा वो फल उसको मिला। आई एम सो हैप्पी अबाउट। और ये जैसे कि आईपीएस की भर्ती चाह रहे हैं तो उसके लिए आप इन्हें और शेयर करेंगी? नहीं, मैं बिल्कुल प्रमोट करूंगी यूपीएससी की तैयारी करें, बट मैं इनको हमेशा से अब सजेशन देते आई हूँ कि हमेशा आईएएस ऑप्ट करना आप, और नहीं इनको रहता है कि नहीं हमको आईपीएस करना है, पर मेरा हमेशा रहता है कि आप आईएएस ही करना, लेकिन देखते हैं आगे क्या रहता है, जैसे सर्कमस्टेंसेस रहेंगे उसके हिसाब से। ये थे हमारे साथ हमारे जिले के एक हीरो, प्रेस्टीजियस हीरो जिन्होंने 17वीं रैंक हासिल की है और एसडीएम का पद हासिल किया है, दीपक। पीके न्यूज से बात करूंगा कि आप आईपीएस का टैग जल्दी पाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सर।